अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं जवाद बशीर, आप देख रहे हैं जवाद की दुनिया। आजकल सोशल मीडिया पे आपने बहुत सी ऐसी न्यूज़ देखी होंगी जो कि स्टूडेंट वीज़ा, डिपेंडेंट वीज़ा, पीएसडब्ल्यू और पीआर के हवाले से गर्दिश कर रही हैं, और ये भी कहा जा रहा है कि ये चीज़ें, ये तब्दीलियाँ इम्प्लीमेंट हो चुकी हैं या होने वाली हैं व्हाट्सएवर। तो इन न्यूज़ के हवाले से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन मुझसे पूछे जा रहे थे, तो मैंने सोचा क्यों ना इस पर प्रॉपर वीडियो बनाया जाए और दोस्तों को गाइड किया जाए कि इन न्यूज़ की एक्चुअल हकीकत क्या है और ये कहाँ पर स्टैंड करते हैं। तो आई एम श्योर आज की वीडियो देखने के बाद अगर आपके माइंड में स्टूडेंट वीज़ा, डिपेंडेंट वीज़ा, पीएसडब्ल्यू या फिर पीआर के हवाले से कोई भी क्वेश्चन हो वो क्लियर होने वाला है। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। तो आज की वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, तो बिना स्किप किए पूरा देखिएगा। यूके के हवाले से ऐसी इन्फॉर्मेशन वीडियो देखने के लिए जरूरी है कि आप अभी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि फ्यूचर में आने वाली कोई भी वीडियो आप मिस ना कर सके। तो अभी चलते हैं आज की वीडियो की तरफ, उन तमाम चीजों को डिटेल से डिस्कस करते हैं। जी सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं जी स्टूडेंट वीज़ा को। स्टूडेंट वीज़ा के वाले से आप काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ सुन रहे हैं कि स्टूडेंट वीज़ा अब वर्क वीज़ा में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा जी। तो इसका आंसर है जी बिल्कुल यस, ऐसा पॉसिबल है कि स्टूडेंट वीज़ा अब वर्क वीज़ा में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। उसकी रीज़न ये है कि बहुत से स्टूडेंट यहाँ पे इनिशियल डिपॉजिट पे करके आते थे और ड्यूरिंग स्टडी ही अपना जो स्टूडेंट वीज़ा था वो वर्क वीज़ा में कन्वर्ट कर लेते थे, जिस वजह से यूनिवर्सिटीज़ को पूरी फीसिस पे नहीं होती थी। तो यूनिवर्सिटीज़ को फीसिस ना पे होने की वजह से अपने रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पाती थी और जिसके साथ साथ अपने एक्सपेंसिस को मीट नहीं कर पाती थी। यूनिवर्सिटीज़ का ये कंसर्न था कि ऐसा कोई रूल बनाया जाए कि स्टूडेंट ड्यूरिंग स्टडी अपना वीज़ा वर्क वीज़ा में कन्वर्ट ना कर पाए। तो इस हवाले से काफ़ी ज़्यादा प्रपोजल पार्लियामेंट में पेश की गई, तो ये अब रूल सामने आ रहा है कि January 2024 से जो लोग भी स्टूडेंट वीज़ा पे आएंगे वो अपना वीज़ा वर्क वीज़ा में तब तक कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे जब तक कि वो अपनी स्टडी कंप्लीट नहीं कर लेते। चलें जी अब बात कर लेते हैं जी डिपेंडेंट वीज़ा। डिपेंडेंट वीज़ा के वाले से भी ये न्यूज़ गर्दिश कर रही है कि आप अपनी फैमिली के साथ ट्रैवल नहीं कर पाएंगे। जी बिल्कुल, इसका आंसर है जी यस। January 2024 से ऐसे रूल इम्प्लीमेंट होने जा रहे हैं कि अगर आपने मास्टर या उससे लो लेवल डिग्री के लिए अप्लाई किया हुआ यहाँ पे, तो आप अपनी फैमिली के साथ ट्रैवल नहीं कर पाएंगे। अनलेस कि आपकी जो डिग्री है वो रिसर्च बेस्ड है या फिर पीएचडी लेवल की है, तो देन आप ट्रैवल कर पाएंगे, अदरवाइज आप अपनी फैमिली के साथ ट्रैवल नहीं कर पाएंगे। उसकी रीज़न ये है कि जब हम यहाँ स्टडी के लिए आते हैं तो हमारे साथ डिपेंडेंट 3 से 4 होते ही हैं जो कि यहाँ की इकोनॉमी के लिए किसी न किसी हवाले से बर्डन होते हैं। यहाँ का जो कल्चर है या वे ऑफ लिविंग है वो हमारी होम कंट्री से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है। हमारी होम कंट्री में देखा जाए कि हमारे फैमिली में से 2 या 3 लोग कमा रहे होते हैं, बाकी सब लोग बैठ के खा रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पर जितने लोग भी होते हैं वो तमाम के तमाम लोग काम करते हैं और प्रॉपर यहाँ पर टैक्सेस पे किए जाते हैं, और वही टैक्सेस आपको डिफरेंट सर्विसेज की सूरत में आपको पे बैक किए जाते हैं। तो इस हवाले से भी काफ़ी ज़्यादा प्रपोजल्स यहाँ की पार्लियामेंट में पेश किए गए और ये डिसाइड किया गया कि January 2024 से ये रूल भी इम्प्लीमेंट होने जा रहा है। समझ रहे हो आप? चलेंगे अब पीएसडब्ल्यू को डिस्कस कर लेते हैं। पीएसडब्ल्यू होता क्या है? बेसिकली पीएसडब्ल्यू स्टैंड फॉर पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा, और ये वीज़ा आपको कब ग्रांट किया जाता है? जब यहाँ पे आप स्टूडेंट वीज़ा पे आते हैं और अपनी स्टडी यहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशन के मुताबिक कंप्लीट कर लेते हैं, तो डिग्री कम्प्लीट करने के बाद आपको पीएसडब्ल्यू ग्रांट किया जाता है। नॉर्मली पीएसडब्ल्यू 2 साल का भी हो सकता है या फिर 3 साल का हो सकता है। अगर आप मास्टर के लिए आए हैं तो आपको पीएसडब्ल्यू 2 साल का ग्रांट किया जाएगा, और अगर आप पीएचडी लेवल या रिसर्च पे डिग्री है तो आपको 3 साल तक का वीज़ा ग्रांट किया जा सकता है। लेकिन इस हवाले से ये न्यूज़ गर्दिश कर रही है कि ये जो टाइम पीरियड है 2 साल या 3 साल का वो रिड्यूस करके 6 मंथ तक का कर दिया गया है। अगर इस न्यूज़ की बात की जाए तो अभी फिलहाल ऐसी कुछ सच्चाई नहीं है इस न्यूज़ के हवाले से, और ना ही ये कोई इंप्लीमेंट हो चुकी है। तो इस हवाले से आप बिल्कुल परेशान ना होएं कि जो लोग सितंबर इंटेक में आ रहे हैं या फिर नेक्स्ट जनवरी इंटेक में आ रहे हैं, तो उस हवाले से भी कोई डेडलाइन नहीं दी गई कि ये जो टाइम पीरियड है वो रिड्यूस करके 6 मंथ तक का कर दिया गया है। जब बात कर लेते हैं जी पीआर परमानेंट रेजिडेंसी की, अगर यहाँ पे आप यूके में आते हैं तो डेफिनेटली आपका ख्वाब होगा कि किसी न किसी तरीके से मुझे यहाँ के पीआर मिल जाए। तो पीआर हासिल करने के लिए यहाँ पे डिफरेंट रूट्स हैं। अगर आप स्टूडेंट वीज़ा पे आते हैं और आपका जो स्टडी वीज़ा है वो 2 साल का है, 2 साल आप स्टडी वीज़ा पे गुजारेंगे, देन आपका वीज़ा कन्वर्ट होगा पीएसडब्ल्यू पे, पीएसडब्ल्यू भी 2 साल का होगा, तो इस तरह आपके 4 साल ये हो गया, देन आप वर्क परमानेंट में कन्वर्ट कराएंगे जो कि 5 साल का होगा। ये कुल मिला के आपको 8 से 9 साल लग जाते हैं यहाँ पे पीआर हासिल करने के लिए। देन दूसरा रूट आ जाता है कि अगर आप डायरेक्टली यहाँ पे वर्क वीजा पे आते हैं जो कि 5 साल का होगा, 5 साल आप एक ही एम्प्लॉय के साथ गुजारने के बाद
आप परमानेंट रेजिडेंसी के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। और उसके साथ साथ अगर बिजनेस वीजा की बात की जाए तो अगर आप बिजनेस वीजा पे यहाँ पे आते हैं तो यहाँ की आपको पीआर 3 से 4 साल में मिल जाएगी। बॉटम लाइन ये है कि पीआर हासिल करने के लिए डिफरेंट वीजा होने की वजह से उनके जो रूट्स हैं वो भी डिफरेंट हो जाते हैं। तो पीआर के हवाले से ये न्यूज गर्देश कर रही है कि ये जो टाइम पीरियड होता है वर्क परमिट का 5 साल का, वो 5 साल से बढ़ाकर 8 साल तक का कर दिया गया है। यानी कि जहाँ पे आप 5 साल एक एम्प्लॉयर के साथ गुजारते थे, अब आपको एक ही एम्प्लॉयर के साथ 8 साल गुजारने होंगे, उसके बाद आप पीआर के लिए एलिजिबल होंगे। लेकिन आपको यहाँ बताना चाहूँ कि अभी फिलहाल इस हवाले से कोई ऐसी न्यूज नहीं आई कि यहाँ का जो टाइम पीरियड है वो 5 साल से बढ़ाकर 8 साल तक का कर दिया गया है। चलिए अब डिस्कस कर लेते हैं यहाँ की जो चेंजेस होती हैं वो कैसे वर्क करती है, कैसे इम्प्लीमेंट की जाती हैं। हमारे होम कंट्रीज का जो कल्चर है, यहाँ के कल्चर में काफ़ी ज़्यादा वो क्या कहें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। बेसिकली यहाँ पे होता क्या है कि किसी भी डिपार्टमेंट को किसी वाले से कोई कंसर्न हो, वो डेफिनेटली उसकी जो प्रपोजल होती हैं वो पार्लियामेंट में जाती हैं, उस पर डिस्कशन होती है, उसके बाद ही कोई ना कोई डिसीजन लिया जाता है। ये नहीं होता कि आज बात हुई और सुबह इम्प्लीमेंट हो गई। आपको उसके साथ साथ आपको टाइम पीरियड बताया जाता है कि 5 या 8 महीने के बाद ये चेंजेस इम्प्लीमेंट हो जाएंगी। लाइक स्टूडेंट वीजा के हवाले से, डिपेंडेंट वीजा के हवाले से आज से 6-7 महीने पहले बता दिया गया था कि जनवरी 2024 में ये चेंजेस इंप्लीमेंट होने जा रही हैं। तो इस वाले से आप बिल्कुल परेशान ना होंगे, जो आप न्यूज सुनते हैं कि वो बिल्कुल फॉरन इंप्लीमेंट हो जाती है। डेफिनेटली ये टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है और इसमें काफी ज्यादा रिक्वायरमेंट्स होती हैं जिसके बाद ये चेंजेस इंप्लीमेंट की जाती हैं। डेफिनेटली आपके माइंड में भी यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा कि अगर ये चेंजेस जनवरी 2024 से इंप्लीमेंट होने जा रही हैं, जो अभी सितंबर इनटेक जो 2023 वाले हैं, क्या इन पे वो चेंजेस इंप्लीमेंट होंगी या नहीं होंगी, ये बहुत ही वैलिड कंसर्न है। अगर आप सितंबर इनटेक में आ रहे हैं और ये चेंजेस इंप्लीमेंट होगी जी जनवरी 2024 से, तो इस हवाले से आप बिल्कुल परेशान ना होए। आप जिस इनटेक में आएंगे उस इनटेक में जो भी रूल्स वगैरह होंगे आपके लिए सिर्फ उनको फॉलो करना जरूरी होगा। जो लोग जनवरी इनटेक में आएंगे तो वही रूल सिर्फ उन्हीं इनटेक के लिए होंगे, या फिर उसके बाद वाले जितने भी इनटेक आएंगे उनके लिए इम्प्लीमेंट होंगे। सितंबर इनटेक वालों का इस रूल के साथ लेने देना नहीं होगा। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। तो दोस्तों ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन स्टूडेंट वीजा, डिपेंडेंट वीजा, पीएसडब्ल्यू और पीआर के हवाले से। अगर आपके माइंड में फिर भी किसी हवाले से कोई क्वेश्चन हो, मुझे वीडियो कमेंट सेक्शन में या फिर फेसबुक इंस्टाग्राम पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखे और मुझे दुआ में याद रखेगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।